अरे भाई अरे सुनिए ना भाभी के पहले नंबर मेरा है, फोन करेगी। मार के मरसला में सुटा के दीदारगंज में मार के फेंक दिया गंगा जी में, गंगा जी में, गंगा जी में मार के, गंगा जी में मेरी बेटी के लाश मिला दीदारगंज में, दीदारगंज के लड़का। आज दीदारगंज में एक लड़की का गंगा में तैरते हुए शव बरामद हुआ, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां परिजनों के द्वारा उस लड़की की कोमल कुमारी के रूप में पहचान की गई। लड़का मेरी बेटी को मार के फेंक दिया, कल सुबह लाश मिला है। में पढ़ने वाली एक छात्रा का गंगा के तट पर शव मिलने से हड़कंप मच गया और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। राजधानी पटना के मरसलामी थाना क्षेत्र स्थित शरीफागंज की रहने वाली एक इंटर की छात्रा कोमल कुमारी जो है अपने घर से 24 तारीख को निकली थी, लेकिन वह नहीं लौट कर आई। उसके परिजनों ने जो है गुमशुदगी की सूचना थाने में दर्ज कराई और थाने की पुलिस जो है खोजबीन जारी कर दी, और जिस युवक का नाम उस आवेदन में दिया गया था वही उस युवक को भी थाने लाया गया था, और वहीं अचानक पता चला कि जो है छात्रा का शव गंगा के तट पर दीदारगंज स्थित जो है मिला है। वहीं शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए उस युवक के बारे में बताया। वहीं आपको बता दें कि जिस छात्रा का शव मिला उसके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव को उसके घर पर लाया गया, उन्होंने परिजनों ने जो है सड़क मार्ग को जाम कर दिया और परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई, और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 24 तारीख देर शाम घर से निकली थी और वह लौट कर नहीं आई, जिसको लेकर मरसलामी थाना में उन्होंने आवेदन दिया था। वहीं इस मामले में मरसलामी थाना अध्यक्ष ने बताया कि FSL की टीम बुलाई गई है और मामले की छानबीन की जा रही है, आशंका जताया जा रहा है कि उसकी डूबने से मौत हुई है। वहीं इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं उनके परिजन और मरसलामी थाना अध्यक्ष, हम उनके बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। मार के मरसलामी सुटा के दीदारगंज में मार के फेंक दिया गंगा जी में, गंगा जी में, गंगा जी में मार के, गंगा जी में मेरी बेटी के लाश मिला दीदारगंज में, दीदारगंज के लड़का है, दीदारगंज के लड़का मेरी बेटी को मार के फेंक दिया, कल सुबह लाश मिला है। हाँ, दीदारगंज के पास मिला गंगा जी में लाश मिला, कोमल कुमारी था। हाँ, इंटर में एडमिशन कराए हैं अभी, इंटर में एडमिशन आयुष कुमार पर शक है। देखिए, कल दिनांक 25/8/24 को मीना देवी अनिल महतो शरीफागंज के थाना माल सलामी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उनकी लड़की कोमल कुमारी जो इंटर की छात्रा है, उम्र करीब 16 वर्ष है, वो 24 तारीख को रात्रि 8 बजे से परिजनों के द्वारा कुछ डांट डपट किया गया है तो गायब है। उनको एक शक व्यक्त किया गया कि एक आयुष कुमार चौधरी जो दीदारगंज चेक पोस्ट का है उसी के साथ वो फरार है। इसके बिना पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, आयुष कुमार से पूछताछ किया जा रहा था। उसमें आज दीदारगंज में एक लड़की का गंगा में तैरते हुए शव बरामद हुआ, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां परिजनों के द्वारा उस लड़की की कोमल कुमारी के रूप में पहचान की गई है। प्रथम दृष्टया तो डूबने से मौत प्रतीत हो रहा है, शरीर पर कहीं जख्म का निशान नहीं है, फिर भी अब पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और FSL को भी बुलाया गया। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को निरुद्ध किया गया है जो उसका सहपाठी है। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।